लग गई पानी में आग, जिसका इंतजार बीजेपी पार्टी को था वही हुआ, आखिर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो ही गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और लगातार देखा जाए तो अपने पैरों को पसार रही है, यानी कि विधानसभा चुनाव जो 8 राज्यों के बाकी रह गए हैं उन तमाम राज्यों में प्रवेश कर रही है। और कहीं ना कहीं एक डर की बात जो आम आदमी पार्टी करती रहती है कि बीजेपी पार्टी डरती है, वही देखने को मिला। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे अच्छे नेता को पकड़ने का प्रयास किया गया है, हमारे बेहतरीन नेता की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर बयान दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, 75 साल से जो बीजेपी कांग्रेस तमाम पार्टियां नहीं कर पाई वो मनीष सिसोदिया ने करके दिखा दिया और ऐसे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। यहां पर अरविंद केजरीवाल ने यह बात भी कह दी कि अपने भाई को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि अडानी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खुलासा कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति के तहत गिरफ्तार किया जाता है, इस पर अरविंद केजरीवाल का गुस्सा फूटा है। वहीं देखा जाए तो भगवंत मान, राघव चड्ढा, ये तमाम लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि यहां पर मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है और यही बीजेपी का जो है तानाशाही भरा रवैया है। लेकिन दर्शकों, ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसका आम आदमी पार्टी को सियासी नफा होगा या नुकसान, ये वक्त तय करेगा। आपको बता दें कि यहां पर, जी हां, कल मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, इससे आम आदमी पार्टी नाखुश है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये तानाशाही है, मनीष सिसोदिया की कुछ भी गलती नहीं है। शराब के शौकीन, और यहां पर बता दें आपको, कॉकटेल का मतलब जानते हैं, शराब फिर भी चर्चा में आ गई, लेकिन इस बार शराब की चर्चा की वजह दूसरी है, यानी कि इस बार शराब घोटाले और उस घोटाले में आरोपी दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के कारण चर्चा में है। यानी कि लगातार देखा जाए तो शराब की बात होती रहती है, शराबी कहीं ना कहीं आपको फुटपाथ पर दिख जाते हैं, जेलों में दिख जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज शराब मामले में, भले यहां पर मनीष सिसोदिया शराब ना पीते हो, लेकिन शराब के मामले में आज जेल पहुंच गए हैं। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि इसमें बीजेपी की साजिश है या फिर मनीष सिसोदिया ने जो गलती की थी उसका परिणाम भुगत रहे हैं? आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।